हैं और आज हमें एक वो लड़की बैठी हुई है यहाँ पे जो 20 साल से कनाडा में रहने के बाद उन्होंने अपनी बुक का बहुत ही अपने गर्व से अपने भारतीय मूल की लेखिका होते हुए इंग्लिश में पीकॉक इन द स्नो अपने बुक का लॉन्च किया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल था और जैसा इन्होंने बताया कि पहले 2 घंटे में ही सब बुक्स उनकी सोल्ड आउट हो गई। आइए हम उनसे ही बातचीत करते हैं कि अब आगे और क्या प्लान्स हैं। अनवा अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन है हमारी ओर से, हमारे व्यूअर की ओर से, और हम अभी आपकी वेबसाइट आपसे लेके डालेंगे तो आपकी ये जो बुक है कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कैसे लोग ले सकते हैं? ये मेरे पब्लिशर की वेबसाइट इनाना पे है, मेरे अपने वेबसाइट मेरे नाम से anubhamehta.com, वेरी सिंपल क्लिक अ बटन और आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अमेजोन पे जाना है, चैप्टर्स पे जाना है, जहाँ से भी मिलनी है आप किसी को भी चूज कर लीजिए। जहाँ भी बुक अवेलेबल होते कैन चेक इट एवरीवेयर एंड दे कैन ऑर्डर इट। अमेजोन पे भी है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस एंड इट्स इन बुक स्टोर्स बाय नेक्स्ट वीक। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम अक्रॉस कनाडा जाता है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक, सो एवरीबॉडी इज वाचिंग, जो भी इंटरेस्ट होगा जरूर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। इसके साथ अब अनुभव आपके आगे के क्या प्लान है और किस तरह के आप कार्यों में लगी हुई हो? अभी 2 महीने तक तो मेरे बहुत पोस्ट लॉन्च एक्टिविटीज हैं, करीब 10-12 मेरी रीडिंग्स हो रही हैं, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। जनवरी में आई वाज फॉर्चुनेट, मुझे सेकंड लॉन्च के लिए बुलाया है दिल्ली, वहाँ पे बहुत लोग वेट कर रहे हैं। और फिर जयपुर लिट फेस्ट, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, बहुत फेमस है जयपुर फेस्ट, देव इन्वाइटेड मी ऑन एन इंटरनेशनल पैनल फॉर ऑथर्स टू प्रेजेंट, तो आई एम वेरी अगेन वेरी ग्रेटफुल, इट्स अ बिग एक्सपीरियंस फॉर अ डेब्यू नॉवलिस्ट, तो वहां जाऊंगी मैं जनवरी में। और मीनवाइल मैंने एक प्रण किया है अपना कि जो भी मैंने हार्ड वे में यहाँ पे सीखा एज अ राइटर, यू नो सीक्रेट्स, हिडन थिंग्स जो पता नहीं होता हम लोगों को जो नए लोग होते हैं लिखना, वो सब मैं वर्कशॉप्स कर रही हूँ। सो मैं ये वर्कशॉप, वेरी गुड आइडिया फॉर यंग राइटर्स को इंस्पायर करना और उनको अपना पाथ दिखाना। तो उसमें ये आप कहाँ कहाँ करेंगी ये वाली वर्कशॉप? टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू 1-2 कर रही हूँ मैं, और अभी सेंट्रल लाइब्रेरी से भी बात कर रही हूँ मिसिसागा में, और मेरी वेबसाइट पे पूरा स्केड्यूल है। मैं ये कर रही हूँ कि मैं ये नहीं उनको सिखाऊंगी प्रोसेस ऑफ राइटिंग और ये सब, वो तो आप कहीं भी सीख सकते हो, और फ्रेंकली इफ यू आस्क मी नोबडी कैन टीच यू हाउ टू राइट, आप इन इट्स आपका जो स्टोरी है ना वो इंटेग्रल है, आप चाहे उसको लिखो, चाहे आप उसको डांस करो, चाहे आपको पेंट करो, चाहे आपको म्यूजिक करो, मीडियम आपके पास आ जाएगा। तो मेरे लिए वो स्टोरी जो है ना लोगों की, लोग अपने अंदर इतनी स्टोरीज रखते हैं, मैं उनको सिर्फ ये कहती हूँ मेरा मैसेज कि आप अपने अंदर से स्टोरीज निकाल के आप बाहर सबसे शेयर करिए, अपने साथ मत ले जाए। उसके लिए आई एम विलिंग टू डिवल्ज जितने सीक्रेट्स हैं मेरी, जितने मेरे चैलेंजेस हुए उस पे वर्कशॉप्स कर रही हूँ कि नए ऑथर्स जब शुरू करते हैं व्हाट आर द डूज टिप्स ट्रैप्स डोंट्स, ये नहीं करना, कोई बताता नहीं, तो जब गलतियां हो जाती हैं फिर सीखते हैं। बट आई एम विलिंग टू शेयर दैट एंड टेल एवरीबॉडी कि आप ये हैं, तो अगर आप और आप कोई और बुक भी लिख रही हैं? जी मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो इसकी सीक्वल मैं लिख रही हूँ, ये जो बुक है इट्स लाइक अ सागा, 3 जनरेशंस की है, ग्रैंड मदर की, एक माया प्रोटागोनिस्ट और एक उसकी बेटी दिया की है। सो सेकंड बुक विल बी रिटन फ्रॉम द दियाज पर्सपेक्टिव, द नेक्स्ट जनरेशंस पर्सपेक्टिव, हाउ दे सी द वर्ल्ड, एंड इट्स अबाउट हाउ यंग पीपल दीज डेज गेट इन्वॉल्व्ड इन एस्पियनेज और टेररिज्म में, हमारे यंग बच्चे कैसे इनोसेंट बच्चे इन्वॉल्व हो जाते, वो भी कहीं और से, कनाडा घर है इस किताब का लेकिन वो भी दुनिया में घूमेगी किताब और वापस आएगी, क्योंकि हम लोग दुनिया में इधर उधर रह चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी आप जो यंग राइटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अपनी जिंदगी रोज जिए, लिव योर लाइफ एवरी डे, एंड अपनी इंटरप्रिटेशन अपने जो वर्ल्ड की है उसको कभी छोटा मत समझिए। Every interpretation is correct. There is no right and wrong. Sirf, be honest with what you want to say. That is my only message. And don't be afraid of, I cannot write, I don't know what to say. If I'm, don't think about the audience. Be true to yourself. The audience and the medium and all that will come to you. That's so beautiful.
थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग एवरीथिंग. हम आपको अपनी बहुत शुभकामनाएं देते हैं अपनी ओर से, अपने स्टूडियो की ओर से, अपने सब दर्शकों की ओर से, कि आप ऐसे लिखते रहिए और ऐसे ही ब्यूटीफुल मैसेजेस देते रहिए कि बीइंग कैनेडियन, बीइंग इंडियन, कैसे आपने उसमें बैलेंस रखना है, कैसे इंटरेस्ट होना है और कैसे आगे बढ़ना है. बहुत बहुत थैंक यू सो मच. इसके साथ ही आज हम आपसे आगे रहते हैं और आप सबसे ये कहेंगे कि अगर आप में से भी कोई लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं, आप इन यंग आर्टिस्ट लोगों से, राइटर से कॉन्टेक्ट करिए उनकी वेबसाइट पे जाके. और अगर कोई मैसेज हमें देना चाहते हैं तो ATN@ATNTelevision.com.